सो यस हेलो माय डियर स्टूडेंट्स पीवाई क्यू सीरीज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ के सारे क्वेश्चन हम लोग यहां कवर करने वाले हैं आइए जरा देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास आए हैं जय बीस में देखिए सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन नंबर वन इफ टू चार्जेस Q1 वन एंड क्यू आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस d एंड प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k व्हाट विल बी द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए बहुत सिंपल सी कहानी है मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 वन एंड क्यू टू और दूसरा चार्ज मैं मान लेता हूं Q2 ठीक है कह रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है D के बराबर डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास ठीक है एक मीडियम में रखा हुआ है जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है हमारे पास K तो फोर्स कितना हो जाएगा फोर्स फॉर मीडियम इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई के इन टू नॉट K into epsilon naught Q1 Q2 upon d square ठीक है बोलता है कि हम इसको एयर में लेके जाएं और एयर में भी फोर्स हमारा सेम इस पूरे हम सिस्टम को हमने एयर में रखा है दोनों पॉइंट चार्जेस को हमने किस में रखा है एयर में रखा है और कहता है कि एयर में भी डिस्टेंस सेम आए तो ये डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए दोनों को मैं इक्वल करता हूं क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एयर में क्या हो जाएगा नॉट क्यू वन क्यू टू अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा एयर में लेट सपोज इट इज डी एयर का स्क्वायर Q1 Q2 से Q1 Q2 का छमा छमा फोर पाए नॉट से फोर पाए नॉट गायब हो गया क्या बचता है d air का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ d स्क्वायर तो d air एयर में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए रूट अंडर k टाइम्स ऑफ d दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ठीक है d टाइम्स रूट अंडर k चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रेट हाफ रिंग्स ऑफ द एंड हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दोनों में लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम दिया हुआ है है ठीक तो बहुत सिंपल सी कहानी बन जाती है पहले की वजह से उसकी वजह से R, दूसरे की वजह से भी के क्यू बाय आर आइए अगर मैं बात करूं यहां से पोटेंशियल एट पॉइंट ओ पहले R1 की वजह से निकाल देता हूं क्यू नहीं दिया हुआ है हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है दैट इज लैम्डा ठीक इन टू कितने लेंथ पर है पाई आर वन लेंथ पर है पाई आर वन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस है ठीक है अगर मैं बात कर रहा हूं दूसरे वाले की पोटेंशियल ड्यू टू दिस इज ड्यू टू वन एंड सिमिलरली पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू टू ये आ जाएगा मेरे पास के लैमडा पाई आर टू अपॉन आर टू देखिए ये आर टू से आर टू गया ये आर वन से आर वन गया k का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर सिंपली दोनों को ऐड कर दो v नेट क्या हो जाएगा v नेट इज इक्वल्स टू v एट o ड्यू टू 1 प्लस v एट o ड्यू टू 2 सो ये आने वाला है मेरे पास k लैम्डा पाई k लैम्डा पाई k लैम्डा पाई प्लस k लैम्डा पाई कितना हो जाएगा 2k लैम्डा पाई k का वैल्यू पुट करते हैं k का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आता है मेरे पास में v नेट इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई, से पाई उड़ गया ये टू टाइम्स इन मीन ऑप्शनिजिन ऑन दी एक्स एक्स शुड अफ फोर्टी माइक्रोकुल्ड सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरोक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सेस देखिए क्या कह रहा है मेरे पास ओरिजिन पर क्या बोल रहे हैं ओरिजिन पर कितना चार्ज है 10 माइक्रो कूलम ये 10 माइक्रो कूलम यहां रखा x 0 पर स्ट्रेट लाइन में बात कर लेता हूं क्योंकि सारा का सारा काम x एक्सिस के लॉन्ग बोला हुआ है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रो कूलम बी प्लेस्ड सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट x 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट 0 बोला है ठीक है यहां पर हमने माना कि x डिस्टेंस पर एक्स डिस्टेंस पर एक 40 माइक्रो कूलम का चार्ज हम इधर रख देंगे ठीक है देखिए मैं इसको मान लेता हूं दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा बच्चों और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा मैग्नीट्यूड वाइज सेम मैग्नीट्यूड वाइज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा जरा ईवन का वैल्यू देख लेता हूं का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा इज इक्वल्स टू हो हो जाएगा का वैलिय। का वैलिय। कितना हो जाएगा का वैल्यू कितना है मेरे पास टेन माइक्रोग्राम अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस कितना है टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रहने देते हैं इसको सेंटीमीटर ही रहने देते हैं दूसरा ई टू टू की बात करूंगा E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं E2 का वैल्यू लेट्स सपोज ये वाला डिस्टेंस जो होगा मेरे पास कितना हो जाएगा x माइनस टू ठीक है ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास x 2 देखिए क्योंकि ओरिजिन से टोटल डिस्टेंस x था तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x 2 हो जाएगा सो वैल्यू ऑफ e2 मैग्नीट्यूड ऑफ e2 विल कम्स आउट टू बी k चार्ज कितना है 40 माइक्रो कूलम्स 40 10 6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना आया x 2 x 2 k q r 2 अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए e नेट मस्ट बी जीरो

ये देखिए टेंस पर माइनस सिक्स पर माइनस सिक्स गया के से के गया एक जीरो से एक जीरो गया क्या आता है मेरे पास एक्स माइनस टू अपॉइंट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सॉल्व करने पर एक्स माइनस टू अपॉइंट टू इज इक्वल टू टू सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन टू एल टू एल एंड एल ठीक है अ चार्ज चार्ज एक Q रखा हुआ है हमारे पास एक क्यूबॉइड है ठीक है इस तरीके से एक क्यूबॉइड है ये मेरे पास एक क्यूबॉइड दिया गया है ये डिस्टेंस है टू एल ये डिस्टेंस है 2l और ये हाइट मैं मान लेता हूं l ठीक है q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सर्फेस एस हैविंग द एरिया ऑफ फोर एल स्क्वायर ठीक है द फ्लक्स थ्रू द अपोजिट सरफेस ऑफ द एस इज गिवन बाय मैंने माना कि मेरा ये वाला सरफेस जो है इसका सरफेस एरिया हो जाएगा फोर एल स्क्वायर ठीक है क्योंकि ये लेंथ 2l है ये लेंथ 2l है तो ऊपर वाला सरफेस या नीचे वाला सरफेस आप जिस रूम में बैठे हैं उसको क्यूबॉइड कंसिडर कर लीजिए ठीक है आप मानेंगे ये डिस्टेंस है मेरा 2l, ये डिस्टेंस है मेरा 2l, और इसकी हाइट जो है वो है l, ठीक है अभी कह रहे हैं कि एक सरफेस एरिया जिसका एरिया हमारे पास होना चाहिए फोर उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है ठीक है उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है तो मैं कंसिडर कर लेता हूं या तो मैं सरफेस पे कंसिडर कर लेता हूं या टॉप पे मैं कंसिडर कर लेता हूं ठीक है या तो छत पे कंसिडर कर लो या फ्लोर पे कंसिडर कर लो सिंपल सी कहानी चार्ज कंसिडर कर लिया लेट सपोज मैंने चार्ज कंसिडर कर दिया है ऊपर ठीक है ऊपर वाले सरफेस पर मैंने एक चार्ज कंसिडर कर लिया एकदम इसके सेंटर पर कितना यह कहता है क्यू तो हमने कर लिया कंसिडर क्यू ठीक है अब हम क्या करेंगे इस कमरे के ऊपर ठीक जितने डायमेंशन का ये रूम है इसके ऊपर एक और कमरा बना दो सेम डायमेंशन का तो क्या हो जाएगा क्यूब बन जाएगा जैसे ही आपने इसके ऊपर एक और कमरा बनाया जिसके डायमेंशन बिल्कुल सेम रखे हैं क्या कहानी होने वाली है देखिए बिल्कुल ये कहानी होने वाली है कि मेरे पास क्या निकल के आएगा हमारे पास इस तरीके से मैंने एक कमरे का कंस्ट्रक्शन करवाया है इस तरीके से <coughs> इस तरीके से एक कमरे का कंस्ट्रक्शन हुआ तो ओवरऑल क्या हुआ एक क्यूब बन गया पूरा का पूरा 2l 2l पहले जो हाइट l था ये भी कितना हो गया 2l तो अब मेरा चार्ज q कहां आ गया सेंटर पे आ गया किसके इस क्यूब के सेंटर पर तो अब सारी की सारी सरफेसेस से बता दो मेरे पास फ्लक्स कितना जा रहा होगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट

एक इधर से जा रहे हैं एक इधर से जा रहे हैं एक नीचे वाले सरफेस से और एक ऊपर वाले सरफेस से और चार्ज एकदम सेंटर पे रखा हुआ है मेरा एकदम सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज है तो सारी सर्फेसेस से जो कि सेम डिस्टेंस पर है ऑल द सर्फेसेज आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दी चार्ज दैट मीन्स सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स मस्ट बी थ्रू ऑल द सर्फेसिस सारी सर्फेस सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास होना चाहिए और मेरे पास टोटल सर्फेसिस कितनी बनेगी सर्फेस तो ये एक दो तीन चार एक ऊपर वाली एक नीचे वाली टोटल कितनी हो गई छह हो गई हमसे कहां से पूछा है जिस सर्फेस पर चार्ज रखा है उसके अपोजिट यानी कि नीचे वाली सर्फेस से पूछ रहा है तो हमारा दिस इज फाइ टोटल फाइ टोटल तो फाइ थ्रू सरफेस बॉटम सरफेस थ्रू बॉटम सरफेस कितना हो जाएगा टोटल छह सरफेस थी तो फाइव टोटल अपॉन सिक्स हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा क्यू अपॉन सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास टू इन टू टेन स्पर माइनस टू कुल इज मूव फ्रॉम पी टू एस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ऑफ थर्टी न्यूटन न्यूटन पर कुलम ठीक है डायरेक्टेड अलोंग दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड एस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइए जरा देखो मैं कोऑर्डिनेट्स अगर देखूंगा तो प्लेन कहां ये जो मेरे पास चार्ज है वो कहां मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट तो दोनों में जीरो है तो मेरे पास पहले पॉइंट पी पर था यह था पॉइंट पी पर पॉइंट है उसको पॉइंट ओ पर पहुंचना है पॉइंट पी से पॉइंट एस पहुंचना है कॉर्डिनेट जीरो जीरो कमा जीरो कैसे आ रहा है स्ट्रेट लाइन में लेकर के आ रहे हैं कुछ ऐसे क्लियर है बच्चों ये आ गया मेरे पास क्या मैं यहां से इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई अगर मैं कहूं आपसे कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर तो हम आर वेक्टर कैसे लिखेंगे फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स यानी कि माइनस टू जे कैप ठीक है ये इसके पोजिशन कॉर्डिनेट्स हो गए एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप ये फाइनल पोजिशन है ये इनिशियल पोजिशन थी ये इसके पोजिशन कॉर्डिनेट्स आ गए क्या बोल रहा है पॉइंट चार्ज था ठीक है पॉइंट चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है

माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप इसके साथ डॉट किया हमने जब हमने इसके साथ डॉट किया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व कर ले जरा इसको जीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स जूल ठीक है माइनस जीरो पॉइंट सिक्स जूल देखिए जरा मिली जूल्स में आंसर दिए हुए हैं सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट माइनस सिक्स हंड्रेड मिली जूल दिस इज योर आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्पेयर हैं ठीक है ऑफ रेडिया सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा दोनों का सिग्मा सेम है तो मैं यहां से लिख सकता हूं सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया ठीक है चार्ज अपॉन एरिया फोर पाई आर स्क्वायर पहले वाले के लिए फोर पाई आर स्क्वायर इस पर हमने चार्ज माना क्यू वन दूसरे वाले पर चार्ज मान लेता हूं क्यू टू फोर पाई टू आर का होल स्क्वायर ये मुझे गिवन है

q1 plus q2 ठीक है r2 r2 है 2r r1 plus r2 कितना हो जाएगा r plus 2r 3r ये हो गया 3r ये लीजिए भाई ये आ गया q2' तो q2' इज इक्वल्स टू q1 plus q2 into 2 by 3 ठीक है ये एक इक्वेशन आता है मेरे पास q2' तो q1 और q2 को मैं यहां से q1 की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड आर देखिए जी q1 is equals to मैं यहां सॉल्व कर देता हूं q1 is equals to कितना हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर q2 कितना हो जाएगा सिग्मा 4 2 का स्क्वायर 4 बनेगा 4 4 जा 16 पाई r स्क्वायर तो q1 plus q2 कितना हो गया q1 plus q2 इज 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर ठीक है हम इसको यूज कर लेंगे यहां पर तो Q2 ओवर डैश कितना हो जाएगा बच्चों q2 डैश हो जाएगा मेरे पास 20 इंटू सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू टू बाई थ्री ठीक है ये आ गया मेरे पास क्यू टू डैश ठीक है मुझे क्या निकालना है सिग्मा डैश ठीक है नए वाले का चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश बोला तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा क्यू टू डैश अपॉन फोर पाई टू आर का स्क्वायर जरा सॉल्व कर लो क्यू टू डैश का वैल्यू यहां से निकाल देता हूं क्यू टू डैश का वैल्यू निकालना ट्वेंटी इंटू टू इंटू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री ये बनता है फोर फोर पाई आर स्कवायर पाई आर स्क्वायर से पाईआर स्क्वायर उड़ गया और ये उड़ जाएगा यहां से टेन टाइम्स टू फोर ठीक है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा फाइव रेशियो चाहिए था योर आंसर विल बी फाइव इज करेक्ट क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन था, था. <coughs> <coughs> आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन एज शोन इन द फिगर अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट दी सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू इन द्री डिफरेंट रीजन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज गिवन बाय देखो अब मुझे पता है क्योंकि यहां चार्ज क्यू है तो यहां पर माइनस 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 चार्ज अक्यूमिलेट होगा और ये नेगेटिव चार्ज किसके बराबर इस प्लस क्यू चार्ज के बराबर क्योंकि सेंटर पर तो प्लस क्यू चार्ज है तो हमसे बोला गया है पहला वाला रीजन रेस देन काम करता हूं गाउजियन सरफेस बनाता हूं एक गाउजियन सरफेस पहले के लिए दिस इज द फर्स्ट गाउजियन सरफेस तो पहले गाउजियन सरफेस के लिए बात करूंगा इंटीग्रल ई डॉट डीएस मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल ई डॉट एस इज क्वीन साइड अपॉन एप्सलट फॉर फर्स्ट इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो है वो कितना हो जाएगा q इन साइड अपॉन एप्स इन नॉट यहां पर q इन साइड जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो पहले वाले रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा पहले वाले रीजन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉट नॉन जीरो आएगा फॉर सेकेंड पोर्शन की बात कर लेता हूँ हम लोग बात करेंगे फॉर सेकेंड पोर्शन फॉर सेकेंड यानी कि आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए जब मैं यहां बात करूंगा तो गाउजियन सरफेस अब यहां बनेगी जैसे ही मैंने गाउजियन सरफेस यहां बनाई तो देखो नेट चार्ज इन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा नेट चार्ज इनसाइड क्या हो गया जीरो हो गया क्योंकि यह वाला पोर्शन जो कंड मेरे पास कैसा था कंडक्टिंग था ये कंडक्टिंग था इस कंडक्टिंग स्पेरिकल सरफेस पर नेट चार्ज कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए क्योंकि यहां माइनस 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 और टोटल कितना चार्ज हो जाएगा प्लस माइनस मैग्नीट्यूड वाइज इज क्यू के बराबर तो आउटर सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा क्यू 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 ठीक है तो अगर मैं बात करता हूं सेकेंड वाली गाउसियन सरफेस के अकॉर्डिंग तो फॉर सेकेंड सरफेस क्यू इनसाइड इज जीरो इंटीग्रल सेकेंड सरफेस ई डॉट डी एस क्यू इन साइड अपॉन एप्स इन नॉट अब क्योंकि क्यू इन साइड जीरो है तो सेकेंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा सेकेंड वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा सिमिलरली फॉर थर्ड सरफेस जब हम फॉर थर्ड सरफेस की बात करेंगे यहां एक गाउजियन सरफेस बना लेता हूं अब इस गाउजियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो नहीं है तो इंटीग्रल ई फॉर थर्ड डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सल नॉट यहां क्यू इन साइड इज नॉट जीरो दैट थर्ड सरफेस की वजह से भी थर्ड गाउस सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा ठीक है हमसे यही चीजें पूछी गई थी यानी कि पहले वाले में नॉन जीरो होना चाहिए सेकंड वाले में जीरो होना चाहिए सेकंड सेकंड पोर्शन मतलब ए से बी के बीच में और अगर रेडियस बी से बड़ा हमने कंसीडर कर दिया तो वापस नॉन जीरो होना चाहिए दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट क्लियर है ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट सॉरी आई क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर विद रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ये क्वेश्चन देख के तो मजा आ गया होगा भाई साहब क्योंकि क्लास के क्लास का हुआ क्वेश्चन है क्लास की थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है कंडक्टिंग स्वेयर की अगर हम बात करेंगे तो कंडक्टिंग स्क्र के इनसाइड पॉइंट पर इनसाइड पॉइंट यान लेता हूं मैं इसका रेडियस है कैपिटल आर इफ आर इज लेस देन आर तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास जीरो होता है बट इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है बच्चों e E is equals to minus times of DV by DR होता है अगर ये ऐसी कहानी है तो V को क्या होना पड़ेगा कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा V को क्या होना पड़ेगा कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा सेकेंड में मैं बात करूंगा R इज इक्वल्स टू कैपिटल R पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड K Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वा और पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो जाता है ठीक है और अगर मैं यहां से बात करूंगा आ, ब, ग्रेटर देन कैपिटल के लिए आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर हमने देखा था ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पोटेंशियल कैसा आता है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है समझ आती है कहानी पोटेंशियल इज

बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर होता है अगर आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, तो वी नेट कितना हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर प्लस के क्यू टू अपॉन आर आर वन आर टू पॉइंट से ठीक है ये पॉजिटिव होने वाला है मैं ये जानता हूं ये पॉजिटिव आने वाला है ठीक है ये बात कंफर्म हो गई ये पॉजिटिव आने वाला है ये नॉन जीरो होगा ये क्या होगा ये नॉन जीरो होगा ये भी कंफर्म हो गया बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैन बी जीरो एट दैट पॉइंट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है ठीक है भाई ये देख लेते हैं एक बार कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है ठीक है फिर आगे बात करेंगे हम लोग बोथ the net potential and net electric field can be zero at the point ये नहीं होगा भाई साहब पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता नेट पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम एट अ पॉइंट कैन बी जीरो ये भी नहीं हो सकता कैन बी जीरो तो हो ही नहीं सकता है both net potential and net electric field cannot be zero देखो कमाल की बात अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस ऐसा हो गया ना इस तरीके का ठीक है ये चार पॉइंट चार्जेस हैं और लेट्स uh, सपोज ये मेरे पास एक डिस्टेंस है ठीक है ये चार्ज पॉइंट चार्जेस हैं किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे मैं अगर सेंटर पे बात कर लेता हूं सेंटर पे बात कर लेता हूं तो so सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज जीरो ठीक है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकता है बट इसने बोला कैन नॉट बी जीरो ये नहीं होगा फिर हो सकता है माई इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी और मे नॉट बी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है जीरो हो, हो सकता है जीरो ना हो तो इसके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट

सिग्मा अपॉन टू नॉट प्लस अपॉन टू एन टू डायरेक्शन भी इधर ही होगा इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन नॉट डायरेक्शन होगा दोनों की वजह से इस तरफ हो जाएगा net direction, सिग्मा upon two epsilon naught और जरा दोनों को एड कर लेता हूं कितना बनेगा मेरे पास सिग्मा अपॉन नॉट ठीक है डायरेक्शन कहां आएगा इधर लेफ्ट वर्ड मान लेते हैं इसको लेफ्ट ठीक है <coughs> या कि अगर मैं डायरेक्शन वाइज बात करूं तो नेगेटिव हो गया ना नेगेटिव एक्स एक्सेस तो माइनस एन कैप दे देता हूं इसको।, इसको मैं दे देता हूं माइनस एन कैप यूनिट वेक्टर दे दिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और माइनस दे दिया सेकंड वाले की वजह से बात करूंगा सेकंड वाले की वजह से क्या आ रहा है बच्चों सेकंड वाले की वजह से सिग्मा अपॉन टू एफसेल ए नॉट एन कैप आएगा माइनस सिग्मा अपॉन टू एफसेल ए नॉट एन कैप आएगा पहले भाई इस वाले की वजह से तो डायरेक्शन इधर होगा और इस शीट की वजह से डायरेक्शन इधर होगा दोनों की वजह से डायरेक्शन अपोजिट हो गया मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सेम है तो सेकंड वाले रीजन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा सिमिलरली थर्ड पे बात करेंगे तो सिग्मा अपॉन टू एपसेल ए नॉट एन कैप प्लस सिग्मा अपॉन टू एपसेल ए नॉट एन कैप सॉल्व करेंगे तो ये आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप देखिए इसकी वजह से इसकी वजह से इस तरफ इसकी वजह से इस पॉइंट पर उस डायरेक्शन में इस शीट की वजह से भी इस पॉइंट पर उस डायरेक्शन पे तो नेट दोनों की वजह से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप ठीक है <coughs> 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 देखते हैं जरा पहले वाली की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए की ऑप्शन है

तो तो ये तो हो जाएगा फिर मेरे पास एल बाई थ्री और ये हो जाएगा टू एल बाई थ्री एंड टू एल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच मेक्स एन वेरी स्मॉल एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ई ठीक है बहुत छोटा सा एंगल बनाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द डायपोल व्हेन रिलीज इज गिवन बाय ठीक है वे? तो टॉर्क निकाल देता हूं टॉर्क प्रोड्यूस करेगा टॉर्क टू पी क्रॉस टू पी क्रॉस बना देता हूं ये आई अल्फा सिंपल सी कहानी टाव बराबर आई अल्फा इंटू पी मैं बता सकता हूं पी मेरे पास क्या हो जाएगा चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज है क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस है एन ठीक है माइनस साइन के साथ लेते हैं इसको और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है बच्चों ई इंटू साइन थीटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब सारा खेल सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखूंगा कितना आता है Q इंटू एल स्क्वायर बाय नाइन प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Q इंटू फोर एल स्क्वायर बाय नाइन ठीक है जी इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू क्योंकि एंगल बहुत छोटा है बहुत छोटा है वेरी स्मॉल एंगल वेरी स्मॉल एंगल तो साइन थीटा को थीटा बना सकता हूं माइनस टाइम्स ऑफ क्यू एल ई एलटू थीटा जरा सॉल्व करते हैं इसको ये बनेगा फोर प्लस वन फाइव क्यू एल स्क्सू माइनस टाइम्स ऑफ क्यू एल ठीक है अच्छा चार्ज थोड़ी मास होता है ना सॉरी माई मिस्टेक यहां तो मास आएगा ना ये मास हो जाएगा 2m और यह हो जाएगा m तो यह हो गया 6 ml एल स्क्वायर सिक्स एम स्क्वायर ठीक है एक l से l गायब हो गया ठीक है यह टू आ जाएगा यह थ्री आ जाएगा तो अल्फा और थीटा में रिलेशन आता है मेरे पास अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ थ्री क्यू अपॉन टू एम एल टू एम एल थीटा तो ये मेरे पास क्या हो गया अल्फा इज़ इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है तो ओमेगा कितना हो गया रूट अंडर थ्री क्यू ई अपॉन टू एम एल ये लीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया रूट अंडर थ्री क्यू अपॉन टू एम एल दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट सॉरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू यूनिफॉर्म चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड सरफेस स्पेयर ऑफ रेडियसेंटेड बाई अभी देखा हमने इन साइड पॉइंट परीरो इन साइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास जीरो ठीक है अच्छा सॉलिड की बात कर रहा है सॉलिड की बात कर रहा है सॉलिड की बात करता है इन पॉइंट पर फॉर सॉलिड स्पेयर

ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑफ दिस इज दिस द डिस्टेंस पी बहुत सिंपल क्वेश्चन पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर आइए जरा पोटेंशियल है फाइव के का वैल्यू नाइन इंटू टेन स्पार नाइन चार्ज कितना है मेरे पास? 5 10 9, मुझे, क्या निकालना है? मुझे निकालना है, आर का वैल्यू कितना हो गया नाइन बाय टेन यानी कि जीरो पॉइंट नाइन मीटर ठीक है सेंटीमीटर में आंसर दिया है नाइनटी सेंटीमीटर पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाला क्वेश्चन हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन

ये जीरो हो जाएगा बिकॉज क्या है मेरे पास डायपोल की बात कर रहा है डायपोल मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक डायपोल यहां प्लस क्यू ले लेंगे यहां माइनस क्यू ले लेंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तो क्यू नेट कितना हो गया क्यू नेट जीरो क्या कहता है रीजन बिल्कुल सही ट्रू स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बिल्कुल सही रीजन बिल्कुल सही रीजन इलेक्ट्रिक प्लग जीरो क्यों हुआ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो बोध एसर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू चार्जेस ऑफ ईच मैग्नीट्यूड दिस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट फोर एम एम

ये तो वही डायरेक्ट सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई ठीक है पी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा ये पी ई साइन थीटा सारी वैल्यूज दी हुई है देखो पी निकाल सकता हूं चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चार्ज कितना है 0.01 अ सॉरी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 0.4 एमएम 0. 4 mm. ये क्वेश्चन तुमसे सिर्फ और सिर्फ किस लिए आया है कि तुमको यूनिट कन्वर्जन आता है या नहीं आता है उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है 10 पर यानी कि परिग्री 10 10 का वैल्यून बाई टू हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व अरे भाई साहब ये तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया ये टू गया इंटू एक जीरो से उड़ा दो ये बनेंगे तीन पांच तीन आठ और दो दस टेन डेज सुधी पर माइनस टेन मीटर न्यूटन मीटर टू इंटू पर माइनस टेन न्यूटन मीटर ऑप्शन नंबर डिस्टेंस सो देट रिपल्सिव फोर्स इज मैक्सिम ठीक है दो पॉइंट चार्जेस टेन माइक्रोकुल ठीक है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है यहां मैंने रखा मान लेते हैं यहां मैंने चार्ज क्यू रख दिया दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा टेन माइनस क्यू माइक्रोकुल ये क्यू दोनों के बीच में डिस्टेंस है वन सेंटीमीटर फोर्स की बात करूंगा फोर्स क्या लगेगा दोनों के बीच में के क्यू इंटू टेन माइनस क्यू डिवाइडेड बाय वन का स्क्वायर समझ आती है बात इंटू टेन एस टू दाइनस ट्वेल्व हो जाएगा एफ टू मैक्सिमम f2b मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा df अपॉन dq को जीरो होना पड़ेगा df अपॉन dq को जीरो होना पड़ेगा बाकी सारी तो कांस्टेंट टर्म्स हैं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं f इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सम कांस्टेंट जिसको मैंने मान लिया a ये बनेगा 10q q2 ठीक है 10q q2 इसका डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन करने पर df अपॉन dq ये बनेगा टेन माइनस टू क्यू ठीक है टेन माइनस टू क्यू इसको कर देंगे जीरो के बराबर ठीक है इसको जीरो के बराबर कर दिया तो टेन इज इक्वल टू टू क्यू तो क्यू इज इक्वल टू फाइव क्यू इज इक्वल टू फाइव यानी कि चार्ज कितने हो जाएंगे मेरे पास फाइव माइक्रोग एंड फाइव माइक्रोग सो न्यू चार्जेस विल बी फाइव माइक्रोकाम एंड फाइव माइक्रोग ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट क्लियर है बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चन है चलिए जी सो थैंक यू सो मच गाइज विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू